दोस्तों भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम इंडिया में अचानक ही 2 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इन प्लेयर्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में यश दयाल को बाहर कर दिया गया है। यश दयाल को लोअर बैक की समस्या थी, इसी वजह से अब बीसीसीआई ने उनकी जगह कुलदीप सेन को मौका दिया है। दोस्तों वहीं रविंद्र जडेजा की जगह शाहबाज अहमद को मौका दिया गया है। कुलदीप सेन ने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों कुलदीप सेन का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। वह कातिलाना गेंदबाजी में माहिर हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में भी जगह दी गई है और अब उन्हें बांग्लादेश टूर के लिए भी चुन लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था। कुलदीप सेन ने आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। कुलदीप ने आईपीएल 2022 के 7 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप सेन बांग्लादेश दौरे पर अपनी गेंदबाजी का क्या कमाल दिखाते हैं। दोस्तों ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।